वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद हो। मेरी उम्र के नौजवानों, यू आर प्रो। तो आज मैं कितने दिनों बाद वीडियो बनाई आई, मुझे लग रहा है लास्ट मैंने जो रेगुलरली बनाई थी अंबानी जी की वीडियो के अलावा 28 फरवरी की बनाई थी। कितनी वो कब बनाई थी, तो मतलब ऑलमोस्ट एक महीना होने वाला है। भाई साहब इतना लंबा रिलैक्स चाहिए मेरे को, मतलब मैं अगर ना आलस करने पे आ गई ना तो मैं अति आलस करती हूँ, मतलब हद वाला आलस करती हूँ। तो इसके बीच में क्या क्या हुआ, 4 मार्च को मेरा बर्थडे हुआ। मेरे को मजा सच में कम मेरे को मजा ना अपने पर्सनल तो लाइफ में बहुत आ रहा होता है, लेकिन ना जब ये वीडियो बनाने की बारी आती है, जब मुझे थोड़ा सा काम वाम करना पड़ता है तो मैं आलसी हो जाती हूँ। और उसके बीच में अब मैंने मैकबुक ले लिया है, इसका शॉट आप लोगों ने देखा होगा, कितना सेक्सी लग रहा है भाई साहब, मैं तो पागल हो गई। मेरे को बार बार वही गाना याद आ रहा है हसल का, मुझको सेक्सी लग रहा था, सबको सेक्सी लग रहा था, कितना सुंदर, कितना प्यारा, कितना ब्यूटीफुल, कितनी प्यारी सोल है इस बनाने वाले इंसान की, इतना खूबसूरत पैदा कर दिया प्रोडक्ट, तो मतलब देखने से ही अच्छा लग रहा है। बाकी मुझे पता है, मुझे सच में एप्पल इतना कॉम्प्लेक्स लगता है चीज़ों करने के मामले में, आईफोन वगैरह भी इतने पिछले साल लिया था, थोड़ा शो ऑफ, मतलब कॉम्प्लेक्स वाली बात है, लेकिन यार सुंदरता में तो इन्हें कोई बीट नहीं कर सकता। तो पहला तो लुक, कोई भी ऐसा कहता है कि लुक मैटर नहीं करता, लुक बहुत मैटर करता है यार। तो हमें काम करना चाहिए अपने लुक पर, ठीक है। शक्ल सूरत तो भगवान ने जैसी भी दी है, लेकिन कर सकते हैं काम, ऐसा होता है अपनी तरफ से जितना लग सके, जितना बन पड़े। तो आ जाओ, इतनी फालतू बातें मैंने कर दी है क्योंकि मैंने बहुत टाइम से नहीं करी थी, और वैसे भी मैं करती हूँ, मैं रेगुलर वीडियो बनाऊँ ना तो मैं थोड़ी सी पहले अपनी चिट चैट कर ही देती हूँ, क्योंकि उसके बिना मेरे को मजा नहीं आता, मजा, ठीक है। तो आज हम सुनने वाले हैं, मैंने कोई प्रिपेयर नहीं किया था, मैं ट्रेंडिंग में देख रही थी, क्योंकि पहले हमें ट्रेंडिंग गाना उठाना पड़ेगा, क्योंकि अगर बहुत टाइम हो गया और यूट्यूब अगर आपकी वीडियो को पुश कैसे देगा, ट्रेंडिंग वीडियो से देगा, साफ बात है, सुखी बात है, लेकिन ये पुश यूट्यूब ही नहीं देगा, मुझे लग रहा है हरियाणवी जनता देगी, क्योंकि मैं ढांडा निवाली वाला का सॉन्ग करने जा रही हूँ, ठीक है। बहुत टाइम बाद मैंने हरियाणवी सॉन्ग ही कब से नहीं कर रखे, ठीक है। तो इस बात पे मुझे बद्दुआ कम देना, पर दुआएं ज्यादा देना कि देखो आज ट्रेंडिंग में मैंने उठा लिया गाना। तो एक ही दिन हुआ, एक दिन मेरे लिए बहुत दूर की बात नहीं है, जब मैं 28 दिन बाद वीडियो बना सकती हूँ। तो जो आ जाओ जरा शुरू कर लेते हैं। अब शुरू करने में एक तो ना चलाना भी थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। शुरू शुरू शुरू, फुल वॉल्यूम, अरे हटो, बचाई जिनकी लोड़ पड़ी पानी की प्यासे मारे, बैरियां की गोलियां का खौफ नहीं था, मन अपने आके छोरी रह दिलासे मार के, वहम काटू रैम नहीं खाऊंगा किसे पै, मेरी मेमोरी में बंदे वे सटोक पड़े हैं, मारे टाइम जो जो मेरे काम नहीं आए, मेरे फोन में वे नंबर ब्लॉक पड़े, मारे टाइम जो जो मेरे। भाई साहब मैं ये कह रही थी ना ढांडा नोड़ी वाले जी के गाने पे, कि मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि मैं सेम तरह के गाने तो नहीं सुनते चले जा रही हूँ। ये गाना लिरिकली बीट करने वाला है, क्योंकि एक तो ना रीजनल लैंग्वेज में जब आप कोई चीज़ें गाते हो तो वो वैसे ही कुछ वैसे ही हिट हो जाती हैं, तो मुझे इनका सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट यही लगता है कि तो रीजनल लैंग्वेज में जिस तरह के इनके गाने चलते हैं, तो वो मतलब एक होता है रीजनल लैंग्वेज में टरा टरा थोड़ा नाचना नाचने वाला, एक होता है थोड़ा सा एक्सप्लेन करने वाला टाइप का जो गाने होते हैं, जो जैसे सिद्धू मूसेवाला जी का जोना टाइप का था, उस तरह के गाने जो होते हैं। तो ऐसा नहीं है सबका तरीका अलग अलग होता है, बस थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी जो कॉमन चीज़ देखने को मिलती है वो होती है कि अपनी बात को एक्सप्रेस करने का तरीका। तो वो अपनी भाषा को पंजाबी में करते थे, ये हरियाणवी में, और आज जो गाना है ये, ठीक है, ये तो क्या उठा है, मतलब कि देख रहे हो कि मेरे पास अभी भी जिन्होंने मुझे धोखा दिया है उनके सारे मेरे पास फोन नंबर मेरे ब्लॉक पड़े हैं, और मेरे को क्या है बैरियों से वो मतलब नहीं है, मुझे बैरियों से डर नहीं लगता, मुझे तो उन्हीं से ही लगता है जो आपस में मेरा विश्वास तोड़ जाते। तो मेरे को लाइंस बहुत समझ में आ गई है, अब मैं बार बार उसको रिपीट नहीं करना चाहती, क्योंकि ये वाली हरियाणा मेरे को साफ समझ में आ रही है। मेरे को इंस्टाग्राम पे भी किसी ने कहा कि मतलब मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, आप बहुत सारी चीज़ों आपको समझ में नहीं आती, देखो बहुत सच बात है नहीं आती समझ में, मेरी भाषा नहीं है वो, लेकिन ये मुझे आ रहा है समझ में, और यहाँ मैं झूठ नहीं बोल रहे हो। चलो काम नहीं आए हैं मेरे फोन में वे नंबर ब्लॉक पड़े हैं, बड़ी मतलब ही तो नहीं आ रहा यार, जिगरा है जयपुर के किले वरगा, खौफ मेरा बागड़ के पिले वरगा, नेता के दिलासियां की लोड़ नहीं है, दम अपने पखड़ा जींद चिले वरगा, जितने में भी क्या है मेले शहर का, इतने के आरा पे ग्लोक पड़े हैं, मारे टाइम जो जो मेरे काम नहीं आए, मेरे फोन में वे नंबर ब्लॉक पड़े हैं, मारे टाइम जो जो मेरे काम नहीं आए, मेरे फोन में वे नंबर टू और ढाई आले राह पे जिंदगी, कॉम्प्रोमाइज मेरा रास्ता नहीं, डेथ के
ਸਸਤਾ ਡੀਲ ਚੱਲ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇਰਾ ਸੀਲ ਓਏ ਮਿੱਤਰਾ ਤੇ ਬੈਰ ਬੇਟੇ ਸਸਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਗੈਰ ਜੋ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਈਬ ਦੇ ਕੇ ਚੜਾਈ ਸਾਲੇ ਸ਼ੌਕ ਪੜੇ ਹੈ ਮਾੜੇ ਟਾਈਮ ਜੋ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਏ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਮੈਂ ਵੇ ਨੰਬਰ ਬਲੌਕ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਸੁਣੀ ਜਿਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਟਾਈਮ ਬੋਲੇ ਆ ਵੈਸੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਮ ਲੋਗ ਕਿਆ ਆਲੇ ਟਾਈਮ ਬੋਲਤੇ ਆਲੇ ਟਾਈਮ ਮੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੋ ਮਤਲਬ ਜੋ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ क्या कहते हैं उसे जब मुझे जरूरत थी उस टाइम पे काम नहीं आए तो मतलब ये माले टाइम ही सुन रही हूँ ना मैं सही वर्ड सुन रही हूँ ना तो मतलब हम लोग आपस में इन जनरल जो लैंग्वेज में बोलते हैं वो आड़े टाइम बोलते हैं आड़े टाइम काम नहीं आए या क्या पता मेरी मम्मी को जल मेरी मम्मी तो पूरे अनसंट वर्ड सिखाई रहती है फिर हम उसी वर्ड को बोलने लग जाते हैं पता है तो क्या पता माड़े होता है या आड़े पर इनका ये तो माड़े ही समझ में आ रहा है मेरे को पसीने गेल मैं दुनिया बनाई आज बोली देख ले सक्सेस रड़क है बड़ियां के मेरी ओ कर्मा में लिखी लग गोली देख ले हरियाणवी हिप हॉप न्योली आले के बिना हे हे सही बात है मैंने नहीं सुना था किसी और का नाम हिप हॉप न्योली आले के बिना राजू लक्ष्मी के बिना उरे फोक पड़े हैं मारे टाइम जो जो मेरे काम नहीं आए हैं मेरे फोन में वे नंबर ब्लॉक पड़े हैं भाई साहब अपने किरदार पे डाल के पर्दा इकबाल अपने किरदार पे डाल के पर्दा इकबाल हर शख्स कह रहा है जमाना खराब है अच्छा था ये मैं भी लिख दूंगी कभी है ना चेपने में क्या जाता है इंस्टाग्राम पे किसको पता चल रहा है किसका है तो एक तो मेरे घर में फिर बोलने लगा एक बार यार और लिरिक्स नहीं है अब मैं बता दूं कि पहली बात तो मुझे पहले दूसरे स्टेप पूरे तगड़े अच्छे समझ में आए अब दूसरा तीसरे चौथे स्टेप के जो मेन हुक लाइन थी मेरे को ना मजा सा भी आने लग जाता है तो मेरे वो एक्सप्रेशन ऐसे होते कि वो मुझे हुक लाइन आने में मजा आ रहा है ठीक है तो मेरे को वो चौथे स्टेप में समझ में नहीं आया है मम्मी थोड़ा हल्के बोलो तो चुप कराना पड़ता ठीक है तो मुझे थोड़ा तीसरे चौथे लाइन की जो हुक लाइन बोली है ना जैसे मतलब कि जो हुक लाइन आती है उसका थोड़ा मीन समझ में नहीं आया है तो मेरे पास वैसे दुनिया भर के इंस्टाग्राम पे वैसे जुड़ जाते हैं हरियाणवी लोग भी जुड़ जाते हैं ऐसे इंस्टाग्राम पे जुड़ने को ऐसा नहीं बहुत ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं तो प्लीज जरा फॉलो वॉलो कर लेना अगर चलाते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है देख लेना जरा मतलब ऐसे बता रही हूँ कि अगर मैं किसी से पूछना चाहूँ तो मेरे पास है बहुत सारे लोग कि मैं पूछ सकती हूँ उसके मीन क्या है तो बता दूँ मैं कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना कि जो एग्जैक्ट तीसरे चौथे लाइन में जैसे रिपीट हो रही है एक हुक लाइन आती है ना कि ना 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 है ना तो वो वाली लाइन का थोड़ा सा मीन समझ में नहीं पता क्योंकि यार भाषा इतनी भी पकड़ में नहीं आती है मतलब बहुत सारे वर्ड्स आ जाते हैं ये वाली बात है तो शुरू के एक दो स्टेप में तो सब पूरा समझ में आ रहा था बागड़ बिल्ले की तरह मेरी वो है ये सब भी पूरा समझ में आया था अब तारीफ करने की बारी आई है बहुत बोल गई इस वीडियो में वैसे मैं क्योंकि बहुत दिनों बाद बना रही हूँ तो एनर्जी बहुत ज्यादा है ठीक है तो ये मत लेना कि हर टाइम बहुत ज्यादा एनर्जी होती है वैसे मेरी हर वीडियो में ही होती है अगर पीछे जाकर देखोगे तो लेकिन अभी मैं 27-28 दिन बाद वीडियो बना रही हूँ भाई साहब तो मेरी एनर्जी तो ऐसी खतरनाक वाली होनी चाहिए कि मतलब सब झड़ जाए रिंग लाइट झड़ जाए मैं ऐसे नाचने लग जाऊं पागलों की तरह गाने वाने सुन के है ना गाने की मुझसे जो शिकायतें रहती थी मैं सोचती थी जो वही जो दो हुक लाइन है वही बार बार रिपीट हो रही है और खत्म हो गया इस बार अच्छा खासा लंबा लेंथ का गाना था अच्छे खासे 3-4 स्टेप्स है गाना बहुत मतलब कहते हैं ना जिससे आप कनेक्ट कर जाते हो उस तरह का गाना है तो बताइए अपने बारे में रहे लेकिन बहुत सारे लोग आपस में भी हम कनेक्ट कर जाते हैं कि भाई किसको मतलब किसको अपनों से धोखा पसंद है तो अपनों से धोखा तो मतलब ऐसी वाली बात हो जाती है कि अबे यार और क्या जिंदगी में चाहिए था इतनी यही जो चाहिए था यहाँ भी खराब निकले लोग तो उस चीज़ से कनेक्ट करने वाला गाना है तो वैसे ही मजा आ रहा गाना सुन के ऊपर से हरियाणवी लैंग्वेज मेरे को बहुत पसंद है मैंने हमेशा से ही बोला अगर मेरे को रीजनल लैंग्वेज में मेरे को बहुत ज़्यादा मजा आता है नाचने का मन करता है तो मैं हरियाणवी लैंग्वेज को कहती हूँ मजा आता है मेरे को सुन के और बाकी
वीडियो शूट की बात करूं तो आज मैं अगर मैकबुक पे देख रही हूं तो मेरा जीवन धन्य हो गया। मेरे को बड़ा मजा आ रहा है, मेरे को वैसे ही मजा आ रहा है वीडियो में, चाहे कुछ भी हो। वीडियो बहुत बेसिक से सिंपल से, चाहे कितनी भी हो, लेकिन आज मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा सा उठ के आया है, मेरी खुद की क्वालिटी इंप्रूव हुई, तो मेरे को बड़ा मजा आया है। तो अगर आप लोगों को मेरे साथ कोई भी वीडियो देखना पसंद आया हो, कुछ भी अच्छा लगता हो, ठीक है, कुछ भी अच्छा लगता हो, बहुत लंबी वीडियो जा रही है यार ये, और तो आज समझ जाना कि 28 दिन बाद वीडियो है, इस वजह से बहुत ज्यादा बोल रही है। तो लाइक मारना है आपको, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। वाई टेक केयर, टाटा।